पानीपत से बड़ी खबर आ रही है, गायक विजेंद्र पर अज्ञात लोगों ने किया हमला। पानीपत से बड़ी खबर, गायक विजेंद्र पर हमला हुआ है, घर से भागकर गायक ने बचाई है खुद की जान। वारदात के बाद गायक विजेंद्र का बयान भी सामने आया है। आपको बता दें, विजेंद्र ने बयान दिया है कि लूट और जान से मारने के इरादे से बदमाश आए थे, अपने ही घर से भागकर विजेंद्र ने अपनी जान बचाई। अब फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है पुलिस। इस खबर पर हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या बताया जा रहा है पूरा मामला? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये देर रात का मामला है और जोधन कला के जो गायक है विजेंद्र, वो अपनी गाड़ी से देर रात विराटनगर में जो था वो भजन गायक के लिए जा रहे थे, तो वहीं आप उनके ऊपर जो है हमलावर लाठी डंडों से उन्होंने उनके ड्राइवर प्रवीण जो था गांव महमूदपुर के पास उन्होंने हमला किया और वो उन्होंने किसी तरीके से गलियों से भागते हुए अपनी जान बचाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रात को अगर पिछले 3 दिन की बात की जाए तो लगातार चोरियों का सिलसिला भी हो रहा है और रात को बदमाश जो है सक्रिय हो रहे हैं और घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर अभी ये मामला पुलिस के संज्ञान में नहीं है क्योंकि देर रात की घटना है। इस मामले में उन्होंने 100 नंबर पर भी फोन किया था। फिलहाल हम डीएसपी से ये जानना चाहेंगे कि इस मामले को लेकर वो क्या कर रहे हैं। और लूटपाट की आप घटनाओं की बात करें तो पानीपत में पिछले 3 दिन में लगातार रात को चोरी की बड़ी वारदातें जिसमें 16 लाख रुपए की चोरियां हो चुकी हैं, तो ये वारदातें घट रही हैं। लेकिन पुलिस जो है अब इसमें रात के और लेकर क्या कार्रवाई कर रही है, कैसे कर रही है, तो ये घटनाएं जो है लगातार बढ़ रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही। अब इसमें पुलिस को देखना है कि पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और वो सहमे हैं, वो बयान देने के भी हक में नहीं है क्योंकि जिस तरीके से उन पर लाठी डंडों से वारदात की गई उन्होंने जान बचाते हुए अपने आप को सुरक्षित किया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पानीपत में हुई इस घटना के बाद कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि बदमाश बेखौफ हैं और पुलिस का खौफ बदमाशों में नहीं, गायक विजेंद्र के ऊपर जानलेवा हमला किया गया।